मात्स्यिकी और जलीय कृषि भारत में लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानों को आजीविका प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने फिशरी सेक्टर में कई अहम रिफॉर्म किए हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र के केंद्रित विकास के लिए भारत सरकार ने 2019 में मत्स्य पालन विभाग और नए मंत्रालय की स्थापना की। साथ ही मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया। पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के तहत सरकार इस क्षेत्र में 38,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण लेना अब सरल और सहज हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नई तकनीकों के उपयोग द्वारा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में अहम साबित हो रही है। लगभग 44,000 फिशिंग वेसल्स की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग के लिए 113 फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स को मंजूरी दी गई है, जिससे 14 लाख मछुआरों और संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, केज और रेसवे जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। समूह दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है तथा मत्स्यन गतिविधि में प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान की गई है। मत्स्य उत्पादन 175 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही अंतरदेशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन तथा समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक नई उप योजना है। इस उप योजना को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स का विकास, विश्व स्तरीय मत्स्य बाजारों की स्थापना और मात्स्यिकी क्षेत्र में क्लस्टर आधारित विकास जैसी नई पहल की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मछुआरों और मत्स्य किसानों तक पहुंचाई गई। 30 अगस्त 2024 को पालघर महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1200 करोड़ रुपए की 217 मात्स्यिकी परियोजनाएं लॉन्च हो रही हैं, जिससे 5 लाख से अधिक मछुआरों और मत्स्य किसानों को रोजगार और लाभ मिलेगा। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी 364 करोड़ रुपए के वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के नेशनल रोल आउट को भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत मछुआरों की सुरक्षा के लिए 1 लाख फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपॉन्डर लगाने को मंजूरी दी गई है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आज भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में गर्व से आगे बढ़ रहा है।